चलिए हुआ क्या कि वो मेरे सामने प्यार का नाटक करने लगी, मजाक कर रही थी, बट मैं सीरियस गेम हम पे हावी होने लगी। और हावी की वजह से हुआ क्या कि एक दिन वो जो उसके साथ वाली लड़की थी, सपोज दैट ए लड़की और बी लड़की, तो ये से मुझे प्यार हुआ था। जिंदगी से मुझे डर सा लगने लगा है, हाजी आपसे मुझे डर सा लगने लगा है, आपका पिघला हुआ दिल पत्थर सा लगने लगा। कुछ देखा है माँ, सबको बदलते हुए देखा है माँ, पर आपकी प्रेम स्नेह को कहीं बदलते हुए? सुलभ वचनों को बोल कर, हाजी सुलभ वचनों को बोल कर, सत्ता रकमों से तोल कर, लोकतंत्र पर दाग लगी। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर आर ओ कैफे के सामने, और अभी हमारे साथ मौजूद है बदनसीब शायर। इन्होंने 3-4 साल UPSC की प्रिपरेशन करी है, उसके बाद कई बार UPSC में असफलता मिलने के बाद यह अभी शायरी लिखने लगे, कविता वगैरह लिखते हैं और काफ़ी फेमस है यहाँ दिल्ली में। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बदनसीब शायर हर शब्द हर ख्याल हर किसी के लिए लिखना चाहता हूँ, खुद के जीवन में किए गए खुद के गलतियों से भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शिखर की ऊँचाइयों तक पहुँचने में ज़रा देर लगेगी मुझे, लेकिन इन बाधाओं से इतना जल्दी हार मानने वाला इंसान भी तो नहीं हूँ ना, इसलिए इन पैसों से नहीं बल्कि खुद के मेहनत धैर्य साहस और तप मनोबल से बिकना चाहता हूँ। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम एक बार बताइए। धर्मेंद्र कुमार कश्यप। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार राज्य के गया जिला से बिलोंग करता हूँ। कितने साल पहले आए थे आप दिल्ली? मैं 2019 में आया था जून में। किस लिए आया था? UPSC की प्रिपरेशन के लिए। तो आपने प्रिपरेशन की है? एक्चुअली मैं आया था UPSC की प्रिपरेशन के लिए तो 6 महीना मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया, कोचिंग में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, मतलब आउट ऑफ 10 में से 6-6.5 आती थी। एक्चुअली हुआ क्या ना कि होता है ना, कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिन पे आप हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हो, अपने माँ बाप भाई बहन से सबसे ज़्यादा विश्वास कर लेते हो। लोग अक्सर यही बोलते हैं जब मैं शो करने जाता हूँ, तो तुम ठीक है कौन सी लड़की ऐसे दिल तोड़ी है जिसकी वजह से तुम पोएट्री और शायरी लिखते हो, तो मैं यही बोलता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की यदि दिल तोड़े तभी शायरी लिख सकते हैं। कोई भी इंसान जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, यदि वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए, उसने यदि आपका दिल तोड़ा है तो आप बिल्कुल लिखोगे। अच्छा जी, तो आपके साथ क्या हुआ था? एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था कि मैं कहीं लाइब्रेरी में जॉब करता था, ठीक है, तो एक्चुअली जब मैं शायरी वायरी करता था तो मतलब पार्क में जा करके, तो वहाँ पे 2-4 लड़कियाँ थी जो मतलब फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छी बन गई थी, मतलब बातें बातें करते बताइए उस में। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो मेरे सामने प्यार का नाटक करने लगी, मजाक कर रही थी, बट मैं सीरियस ले लिया, ठीक है, इससे पहले मैं कहीं किसी लड़की से बात नहीं किया था मतलब इसलिए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं उसको प्यार समझ बैठा, मैं फीलिंग में चला गया, मैं 24 लिखना शुरू कर दिया उसके लिए, मतलब वो लड़की हम पे हावी होने लगी। और हावी की वजह से हुआ क्या कि एक दिन वो जो उसके साथ वाली लड़की थी, सपोज दैट ए लड़की और बी लड़की, तो ये से मुझे प्यार हुआ था। बी वाली लड़की को मैं ये समझ बैठा था, जितना ए वाले के लिए लिखना चाहिए था सारे के सारे में सारी बी को सुना दिया, मुझे लगा कि वही लड़की ये है, मतलब ऐसा फील हुआ। सच्चे प्यार नहीं किए थे? नहीं, वास्तव में मेरे अंदर तो सच्चा प्यार था। उसके बाद एक्चुअली मुझे दुख इसलिए हुआ कि वो लड़की मेरा फीलिंग के साथ खिलवाड़ की। वो लड़की ऐसा है कि फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत तगड़ा था उन लोगों के साथ, उसके दोस्तों के साथ, वो लड़की ऐसा की ना कि अपने दोस्त यारों को बता दी कि हमने उनको प्रपोज किया, तब जा करके मुझे नफरत हो गई। और नफरत होने की वजह से मैं फर्स्ट टाइम स्मोकिंग करने के लिए गया था, तो जैसे ख्याल ख्याल में मैं बातें करना शुरू कर दिया, जैसे सिगरेट पी रहा था तो मुझसे ख्याल ख्याल में बात कर रही, ये तुम क्या पी रहे हो, जैसे मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, ये मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तेरे सारे नशे के भरोसे जी रहा हूँ। शायरी लिख रहा था, ख्याल आया, ये तुम क्या लिख रहे हो, ये मैं शायरी लिख रहा हूँ, मैं तेरे सारे नशे के भरोसे सीख रहा हूँ। सीढ़ी पर सही आपने शायरी लिखना चढ़ रहा था, ख्याल आया, ये तुम किस पर चढ़ रहे हो, ये मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा हूँ, मैं तेरे सारे नशे के भरोसे जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, तब जा करके ख्याल आना शुरू हो गया। और ख्याल होने की वजह से मैं शायरी लिखना शुरू कर दिया। फिर उसमें तो अभी एक दो शायरी हमें सुनाई है। माँ से मैं 6 महीना के बाद बात किया था, ठीक है, और जो 6 महीना दूर रहने की वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और माँ से जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके ऊपर मैं एक कविता लिखा था। आखिर इस ज़िंदगी में हमने क्या नहीं देखा है माँ, सब कुछ देखा है माँ, सबको बदलते हुए देखा है माँ, पर आपकी प्रेम स्नेह को कहीं बदलते हुए नहीं देखा है माँ। इस जिंदगी पर घमंड करने वाले इंसान को इसी जिंदगी के बगैर तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है माँ। एक पेड़ के पतियों को इसी पेड़ से झड़कर बिखरते हुए देखा है माँ। एक लड़का को एक लड़की का पीछा करते हुए देखा है माँ। उसी लड़की को उस लड़का का पीछा करते हुए देखा है माँ। दोनों में प्यार मोहब्बत ना होने के बावजूद प्यार पाने के लालच में दो पल झूठा नाटक करते हुए देखा है माँ। वादा तो करते हुए देखा है माँ, पर उस वादा से मुकरते हुए देखा है माँ। इस जिंदगी में हमने क्या नहीं देखा है माँ, सब कुछ देखा है माँ, सबको बदलते हुए देखा है माँ, पर आपकी प्रेम स्नेह को कहीं बदलते हुए नहीं देखा है माँ।
इस जिंदगी पर घमंड करने वाले इंसान को इसी जिंदगी के बगैर तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है माँ। एक राही को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं उस तेज नहीं चल पाऊंगा, लेकिन उस राही को खुद से पिछड़ते हुए देखा है माँ। एक शराबी को शराब से दूर रहते हुए देखा है माँ, पर शराब को शराबी का पीछा करते हुए देखा है माँ। पर आपकी प्रेम स्नेह को कभी बदलते हुए नहीं देखा है माँ। कुछ पराये जिन्हें मैं अपना सगा सा समझता था, उन परायों को अपने स्वार्थ के लिए बदलते हुए देखा है माँ। इस जिंदगी में हमने क्या नहीं देखा है माँ, सब कुछ देखा है माँ, सबको बदलते हुए देखा है माँ, लेकिन आपकी प्रेम स्नेह को कभी बदलते हुए नहीं देखा है माँ। एक रणभूमि में हारा हुआ इंसान जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि फिर से उठकर लड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन उस हारे हुए इंसान को फिर से उठकर लड़ते हुए देखा है माँ। इस जिंदगी में हमने क्या नहीं देखा है माँ, सब कुछ देखा है माँ, सबको बदलते हुए देखा है माँ, पर आपकी प्रेम स्नेह को कभी बदलते हुए नहीं देखा है माँ। ख्याल बहुत लंबी है, सोचिएगा जरूर। और कोई शायरी आप लिखते हो? ये तो माँ से रिलेटेड हो गया, कोई और शायरी? शायरी सुनिएगा। इस जिंदगी से मुझे अजी इस जिंदगी से मुझे डर सा लगने लगा है, अजी आपसे मुझे डर सा लगने लगा है, आपका पिघला हुआ दिल पत्थर सा लगने लगा है। हम तो आपके तरफा प्यार में टूटे हुए गुमनाम आशिक है जनाब, क्योंकि आप मोहब्बत में जो देने वाले घर, तो घर भी अब बेघर सा लगने लगा है। सहरो कि मोहब्बत हो या ना हो, अजी मोहब्बत हो या ना हो, दो प्यार भरी बात हो जाती है, चाहत हो या ना हो, कम से कम यह हसीन मुलाकात तो हो जाती है। कि खुदा से दुआएं अक्सर, अजी उस खुदा से दुआएं अक्सर हमारी उस महबूबा के लिए खास होता, काश आसमां से चलकर जब खुदा खुद मेरे नजरों के पास होता, और आज आशिकी के इम्तिहान लेकर पल पल उन्हें एहसास होता, काश आसमां से चलकर जब खुदा खुद मेरी नज़रों के पास होता। जब मैं लड़की को प्रपोज किया था, एक्सेप्ट नहीं की थी, तो मैं क्या लिखा था कि एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत तो हमने भी किया था जनाब, अजी एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत तो हमने भी किया था जनाब, पर उसने हमारी तोहफे को कहाँ कबूल किया। जिंदगी भर जिसके खातिर दर बदर भटकता रहा मैं, आखिर उसने मोहब्बत का इंतकाम मुझसे क्यों इस कदर लिया। कि दो पल हंसकर आपसे प्यार भरे बात क्या हो गई, हजी दो पल हंसकर आपसे प्यार भरे बात क्या हो गई, जैसे लगा इस दिल को यकीनन प्यार हो गया। कुछ घड़ी आंखें नम क्या हुई, जैसे रोशन के बिना अंधकार हो गया, अब प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते कस्में वादे फरेब सा लगने लगा है, क्योंकि एक लड़की के चक्कर में अपना जिंदगी बेकार हो गया, अपना जिंदगी बेकार हो गया। शायरी बहुत है सर, हजारों शायरियां अपने पास। बहुत बढ़िया, बहुत मैं आपके आवाज में दम है, और आप एक दिन बहुत बड़े कवि बनोगे, बहुत बड़े शायर बनोगे, ऐसे प्रैक्टिस। पोएट्री में सुनाना चाहूंगा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, सुनाइए सुनाइए। पॉलिटिक्स का अभाव, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो सत्ता मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए मैं क्या लिखाऊं, भ्रष्टाचार से रिलेटेड, उनके लिए मैं क्या लिखाऊं, थोड़ा गौर फरमाइएगा। कि सुलभ वचनों को बोलकर, हजी सुलभ वचनों को बोलकर, सत्ता रकमों से तोलकर, लोकतंत्र पर दाग लगी, मैं क्या कहूं मुंह खोलकर, मैं क्या कहूं मुंह खोलकर। भ्रष्टाचार का पतन नहीं, अजी भ्रष्टाचार का पतन नहीं, सरकारों के कुछ शासन से मुक्कर सत्ता प्रेमियों, तू झूठे अपने भाषण से। जनमत संग्रह रिश्वत देकर, अजी जनमत संग्रह रिश्वत देकर, सुशासित कहलाते हो, और दुष्परिणामी कर्मों से हम जनता को पाठ पढ़ाते हो। छलनीति का ज्ञान प्राप्त कर, अजी छलनीति का ज्ञान प्राप्त कर, मिथ्या रूप दिखाते हो, कुशलता का नया परिचय क्यों नहीं दर्शाते हो। इस पंक्ति पे गौर कीजिएगा कि नृतित्व मिथ्या वादे झूठे, अजी नृतित्व मिथ्या वादे झूठे, हर पल जन मत आशा टूटे, जनता से बचना पाओगे, शासन कब तक चलाओगे, शासन कब तक चलाओगे। आकांक्षा से भरी उम्मीदें, अजी आकांक्षा से भरी उम्मीदें कई कोसों तक दूर हुई, कुछ नेता के झांसे में पढ़कर हर जनता मजबूर हुई, हर जनता मजबूर हुई। अपनी गलती का बोलकर, अजी अपनी गलती का बोलकर, न सत्ता का बोलकर, अपनी गलती का बोलकर, न सत्ता का बोलकर, मर गया कुछ निर्धन व्यक्ति फांसियों से झूलकर, फांसियों से झूलकर। कि लालच के मानसिकता से,
अजी लालच के मानसिकता से मतलब उठा अनजाने में न्याय जनता को मिलेगी जब निर्णय होगा थाने में, जब निर्णय होगा थाने में। जो लोग मुझे गलत सब बदनसीब सा यार, कवि धर्मेंद्र कुमार कश्यप, आप समझते। दर्शकों श्रोता गणों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लाइक शेयर कमेंट्स माय ऑल वीडियोज एंड सॉरी। ओके मैं भी कर देता हूं भाई। तो दोस्तों इनको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और ये यूपीएससी एस्पायरेंट भी है। आपको पैसे देकर सपोर्ट नहीं करना, आपको इस वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाए। हर एक जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और शेयर करके इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इनको अभी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। कहीं लाइव शोज वगैरह हो कविता प्रीति का या फिर कहीं शायरी का कोई लाइव शो हो, आप इनको बुला सकते हैं। हम डिस्प्ले में इनका नंबर दे देंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी इनके जो इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी प्लस इनके जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ये हम प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।